वेलकम टू आवर चैनल रंजन स्टडी सेंटर। टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट क्लास 11 इंग्लिश लेसन्स अपन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, यानी कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 11 के जो इंग्लिश सब्जेक्ट है। इंग्लिश सब्जेक्ट में एक पोएम है आप लोगों का, वो है अपन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। इस लेसन के जो कवि हैं, पोएट हैं, वो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इस लेसन में कौन कौन से आप लोगों के लिए शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम अपन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, यानी कि इसके लेखक कौन है, कवि कौन है। तो कवि हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, इज़ द पोएट ऑफ द पोएम अपन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन है, विच सिटी डज द पोएट रेफर इन द पोएम अपन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, यानी इस पोएम में कौन से सिटी के बारे में बोला गया है। तो इन द पोएम अपन वेस्टमिंस्टर ब्रिज द पोएट रेफर टू द सिटी ऑफ लंदन, यानी लंदन शहर के बारे में इस कविता में बताया गया है। थर्ड क्वेश्चन है, वेन वॉज द पोएम कम्पोज, यानी ये जो पोएम है वो कम्पोज, यानी इसका रचना कब किया गया, किस समय लिखा गया। तो द पोएम वॉज कम्पोज ऑन September 3, 1802, यानी कि 1802 में लिखा गया। फोर्थ क्वेश्चन है, हु वॉज विथ वर्ड्सवर्थ वेन ही वॉज क्रॉसिंग द वेस्टमिंस्टर ब्रिज। तो वेस्टमिंस्टर ब्रिज जब वर्ड्सवर्थ क्रॉस जब कर रहे थे तो उनके साथ कौन थी, तो वेन वर्ड्सवर्थ वॉज क्रॉसिंग द वेस्टमिंस्टर ब्रिज ही वॉज एकम्पाइड बाई हिज सिस्टर ड्रोथी वर्ड्सवर्थ, यानी उनकी सिस्टर थी। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट्स द नेम ऑफ द रिवर द पोएट मेंशन इन द पोएम, यानी इस कविता में कौन सी एक रिवर, कौन से नदी को जो है कवि ने मेंशन किया है। तो द पोएट मेंशन द रिवर थेम्स इन द पोएम अपन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, यानी इस कविता में थेम्स नदी के बारे में बोला गया है। छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ द पोएम अपन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। तो यहाँ पे जो है ये फॉर्म मतलब किस भाषा में लिखा गया था, तो अपन वेस्टमिंस्टर ब्रिज इज़ एन इटालियन सोनेट विच हैज़ 14 लाइन, यानी कि एक इटालियन सोनेट है जो कि 14 लाइन की ये कविता है, 14 लाइन की। सेवन नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइम ऑफ द डे व्हेन द पोएट व्यू द ब्यूटी ऑफ द लंदन, तो ये किस समय था, तो द पोएट व्यू द ब्यूटी ऑफ द सिटी ऑफ लंदन इन द मॉर्निंग, यानी सुबह के बारे में जो है, मॉर्निंग के बारे में इस कविता में बताया गया कि सुबह सुबह जो है लंदन शहर के बारे में कवि ने बताया है कि सुबह देखने में लंदन शहर उनको काफ़ी खूबसूरत लगा था। एट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सजेस्ट, यानी फर्स्ट लाइन में क्या बोला गया है पोएम में। तो आंसर है, द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सजेस्ट दैट द पोएट इज़ वेरी इम्प्रेस्ड बाय द ब्यूटी ऑफ लंदन इन द अर्ली मॉर्निंग, यानी जो सुबह में जो है लंदन शहर के खूबसूरती को देख के कवि काफ़ी खुश हुए हैं, यही वर्णन किया गया पहला लाइन में। नाइन नंबर क्वेश्चन क्या है, तो नाइन नंबर है, व्हाट डज द पोएट सी फ्रॉम द वेस्टमिंस्टर ब्रिज, तो क्या देख रहे हैं कवि अपन वेस्टमिंस्टर ब्रिज से, क्या देख रहे हैं। तो द पोएट सीज द ब्यूटी ऑफ द सिटी ऑफ लंदन इन द ब्राइट मॉर्निंग, यानी जो ब्राइट मॉर्निंग है, यानी सुबह जो मैंने चमक रहा है धूप, सूर्य के धूप से जो पूरा लंदन शहर चमक रहा था, तो लंदन शहर का जो खूबसूरती है उसी को देख के काफ़ी कवि खुश हैं। टेन नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएट हु इज डल ऑफ सोल, तो अकॉर्डिंग टू द पोएट द पर्सन हु इज नॉट इम्प्रेस्ड बाय द ब्यूटी साइट ऑफ लंदन इज डल ऑफ सोल। तो ये थे 10 क्वेश्चंस। अब आपको जो है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन से जुड़े और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा, जिसमें कि कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। धन्यवाद।